बिफारी माता कातल लाइन था। हाँ शादी होती तब आउत, हाँ लड़कन की नौकरी लगी है तब आउत। और वो सोने की सीढ़ी से उतरे थे और वो सोने की सीढ़ी आज भी इसी टीले के अंदर दफन है दोस्तों। बहुत तो जरूरी है कि जैसे ये धाम है, लेकिन यहाँ हमें एक क्वार्टर पड़ा दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं ये क्वार्टर, ठीक है। अब यहाँ सुरक्षाकर्मी रहते हैं, क्या रहते हैं जो भी है, लेकिन बट यहाँ दोस्तों इसका दुरुपयोग हो रहा है। मंदिर में ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये दोस्तों यहाँ कूड़ा पड़ा है और यहाँ एक क्वार्टर पड़ा है, ठीक है, और जो खाली है कांच का है। तो आपको आज दिखाएंगे सारी चीज़ें कि टीले पे क्या है। हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आज हम पहुँचे हैं फरुखाबाद के शंकरसर नामक धाम पर, जो दोस्तों बौद्ध धर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। और यहाँ दोस्तों मतलब काफ़ी देशों से जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं वो यहाँ आते हैं। और जो जो आपको टीला बैग में दिख रहा है, इस टीले पर बहुत ही प्रसिद्ध देवी हैं जिनकी पूजा करने के लिए लोग विदेशों से, लंका हो गया, कंबोडिया हो गया और जापान हो गया, जो भी बौद्ध धर्म के चीन हो गया लोग मानते हैं, वहाँ से लोग यहाँ आते हैं। दोस्तों आज आपको यहाँ से पूरा दिखाएंगे दोस्तों के साथ, हम आपको इस ब्लॉग में मिलते हैं टीले पर आ गए। और ये मतलब काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, तो आपको इसमें आज सब जगह मिलेंगे, ठीक है। और आपको एक अष्टदांत का हाथी भी दिखाएंगे जो इस साइड बना है और जिसकी कीमत दोस्तों अरबों रुपए में है, ठीक। तो आपको मिलते हैं आज इस ब्लॉग में, तो आज का ब्लॉग होगा इसके लिए, और ये भाई ब्लॉग बनाएगा आज मेरा, तो यही शूट करेगा, मैं तो संगठन घूमूंगा, ठीक। ये सब सारे हैं, ये सब अपने साथ हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आगे, देखते हैं टीले पर क्या है। और देवी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और यहाँ से मतलब काफ़ी सारे लोग और मतलब काफ़ी देशों से लोग यहाँ आते हैं, और बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध देवी हैं और बौद्ध धर्म के लिए इन्हें बहुत ज़्यादा पूजा जाता है। तो चलो चलते हैं, लेके घूमते हैं आपके साथ। हेलो भाई, देखिएगा मेरे अमन भाई शंकरसर मंदिर पे घूमने के लिए आए हैं, ये दो दिन हो गए हैं यहाँ पे आए हुए, आज दर्शन होंगे इनको। हंस क्यों रहे हो, इधर देखो, इधर जी मेरे जरा पकड़ना दोस्तों। जो ये बोर्ड लगा है इस पे सारी चीजें लिखेंगे, यदि कोई भी स्मारक को क्षति पहुंचाता है तो इसे नष्ट करने के विलय अथवा परिवर्तन करता है तो क्रूर करता है, खतरे में डालता है और इसका दुरुपयोग करते हुए पाया जाता है, तो इसे अपकृत्य के लिए प्राचीन स्मारक पुरातत्व विभाग से संशोधन के लिए मतलब दोस्तों इसे 2 साल की कारावास और 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे जो भी छत पहुँचाएगा या इसके लिए जो भी आएगा, तो यहाँ उसके लिए आपको 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना दिया जा सकता है, ठीक। अगर इस स्मारक को कोई छत पहुँचा रहा है तो दोस्तों यहाँ एक चीज़ बहुत जरूरी है कि जैसे ये धाम है, लेकिन यहाँ हमें एक क्वार्टर पड़ा दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं ये क्वार्टर, ठीक है। अब यहाँ सुरक्षाकर्मी रहते हैं, क्या रहते हैं जो भी है, लेकिन बट यहाँ दोस्तों इसका दुरुपयोग हो रहा है। मंदिर में ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये दोस्तों यहाँ कूड़ा पड़ा है और यहाँ एक क्वार्टर पड़ा है, ठीक है, और जो खाली है कांच का है। तो आगे आपको मिलते हैं, और यहाँ पे कुछ अनुयायी जो हमारे बौद्ध धर्म के हैं वो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और यहाँ पे हमारे जो स्वच्छागार्ड हैं वो लोग रहते हैं दोस्तों। तो इस सीढ़ी पे चलना है, और ये हमारे भाई लोग, भाई लोग चलते हैं। तो क्या हुआ, क्या कोई दिक्कत नहीं, तो ये भाई लोग यहाँ से चढ़ रहे हैं, तो ये सारे इन्हीं सीढ़ियों पे चढ़ते हुए यहाँ ऊपर जाते हैं दोस्तों। ये प्राचीन यहाँ बताया जाता है कि बौद्ध जी जो हमारे गौतम बुद्ध जी थे वो यहाँ उतरे थे, और वो सोने की सीढ़ी से उतरे थे, और वो सोने की सीढ़ी आज भी इसी टीले के अंदर दफन है दोस्तों, तो ऐसा कहा जाता है। तो आपको आज दिखाएंगे सारी चीजें कि टीले पे क्या है क्या नहीं है, और यहाँ काफी ज्यादा अनुयायी लोग रहते हैं, और यहाँ लोग पूजा भी कर रहे हैं कुछ काफी सारे लोग। तो यहाँ से मिलेंगे, तो अभी आपको देवी का दर्शन भी कराते हैं। पहले मैं आपको चारों ओर की सैर कराता हूँ, ठीक है, कि टीला कितने ऊंची पे है। देखो दोस्तों यहाँ आज भी ये कहा जाता है कि जो भी अगर दिन में किसी को काम नहीं मिलता है और इस टीले का एक भी चक्कर लगा लेता है तो उसे दोस्तों खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ मिल जरूर जाता है, ऐसा आज भी यहाँ बोला जाता है।
अगर आपको कोई काम नहीं मिल रहा है और यहाँ इतनी इनकी श्रद्धा है तो ये बैग से मंदिर है। यहाँ अभी आपको दिखाते हैं, फ्रेंड से भी दिखाएंगे। और ये काफ़ी चीज़, यहाँ विदेशों की ज़मीनें नॉट अलाउड है और यहाँ नहीं खरीद सकते, और यहाँ मकान भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे लंका और काफ़ी कंबोडिया ऐसे देशों के लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मकान बनाए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं, वो लोग यहाँ पूजा भी कर रहे हैं। अभी आपको फ्रेंड से दिखाएंगे तो आपको देवी के दर्शन जरूर कराएंगे। आ जाओ दर्शन कर ले यार, पूजा हो रही है, आंटी लोग क्या कर रही हैं। कोई नहीं, अभी आपको दर्शन जरूर कराएंगे। और यहाँ एक मालूम मंदिर था बजरंग बली का, उधर समझो जी देवी थी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बजरंग बली का मंदिर था, इसी बात पे यहाँ विवाद है। वो उस साइड था लेकिन वो मतलब खस गया है, उसमें मतलब बहुत विवाद है, बहुत ज्यादा विवाद है। आओ दिखाएं, यहाँ एक बजरंग बली का मंदिर भी है तो वो आपको दिखाएंगे। बे यहाँ पे खस गया भाई, मंदिर था ये, यहाँ पे जी मंदिर है, हाँ जी मंदिर है, जो बजरंग बली का मंदिर है दोस्तों। यहाँ पे ये इस पे विवाद भी है कि कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ मतलब मंदिर नहीं होना चाहिए बजरंग बली का, लेकिन ये हिंदू धर्म के बताते हैं ये लोग हमारे खिलाफ है, पर यहाँ बजरंग बली का मंदिर है क्योंकि ये हमारे ऐसे भगवान हैं जो सबकी रक्षा और सुरक्षा करते हैं, विश्व में किसी भी व्यक्ति की, कोई भी आदमी और कोई भी चीज़ हो, ठीक है, सबका करते हैं। तो यहाँ पे ये मंदिर है, अभी आपको दर्शन कराएंगे ज़रूर हम, बट अभी हम आसपास घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो ये आपको दर्शन करा रहे हैं अभी, ठीक। स्पेशल तो ले लो जी, हाँ आपको भी मंदिर के दर्शन जरूर जरूर कराएंगे। और भी कुछ आंटी लोग या जो भी कह लें माताएं बहने हमारी पूजा कर रही हैं, तो उन्हें पूजा करने में भंग नहीं करना चाहिए, इसलिए हम लोग थोड़ा भी इधर हैं। और दोस्तों यहाँ का नज़ारा, माहौल बढ़िया है, यहाँ काफ़ी अनुयायी और काफ़ी संख्या में 200 लोग आते हैं, और जो भी बहुत धर्म से संबंधित हैं यहाँ आप जैसे ही रहते हैं, ठीक है। और यहाँ भैया हेलो, आप CCTV की नज़र में हैं, ठीक है, तो इसलिए कोई हरकत ना करें। नहीं, इस नीवे पे 2-1 लगे होंगे 100%, क्योंकि बाहर लिखा रखा है, 1 लगा है यहाँ पे और भी लगा होगा इधर उधर, तो पूरे का मतलब वो मतलब रहता है इनका निगाह, इधर उधर CCTV जरूर लगे होंगे इधर उधर। आप बताते हैं, अरे माता जी इन्हें किस नाम से जानते हैं, इन्हें किस नाम से? बिसारी माता। अच्छा, बिसारी माता से, हाँ। और जैसे इनकी क्या मान्यता है? बिसारी माता कातल लला इनका। तो मतलब बहुत धर्म में ये बहुत ज्यादा पूजी जाते हैं, बहुत पूजी जाते हैं लला जी, बहुत माल्य माने रखती हैं हम लोग, इन्हें बहुत मानते हैं, बहुत मान पाएंगे। हाँ हाँ, मतलब वो तो मालूम है कि मतलब देशों से विदेशों से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ जैसे जैसे इनकी जैसे मानता है, ये कहते हैं ये बहुत धर्म की माता जी थी, ये धर्म की माता है, तुम्हारा काम पूरा हो गया। जैसे हमें ये पता चला जो गौतम बुद्ध की माता जी थी माँ माया, उनकी उनका मंदिर है गौतम की माया, मैं नहीं मालूम उनको, नहीं हम पूजन करते लला, झूठी बात तुमसे कैसे कहें। जैसे जो गौतम बुद्ध की माता जी थी माँ माया देवी, उनका मंदिर बताया जाता है कि ये उनका मंदिर है, नहीं ये उनकी माता जी का। जो भैया हमें बेटा नहीं मालूम, क्यों पाप अपने ऊपर रखा है भैया, हम तो बिसारी माता की पूजा करते, उन्हें को जानते बेटा, तो इनका नाम बिसारी माता है। हाँ बच्चा हो तो उनको पूजा करना हो, तो शादी होती तो आओ, तो हाँ लड़के की नौकरी लगी है तो आओ, जे हम तो जो करते बेटा। जैसा कि आपको बताया कि यहाँ जैसे बौद्ध धर्म में जो भी शुभ काम है, तो यहाँ लोग शुभ काम के बाद जो भी होता है तो यहाँ आते जरूर, जैसे शादी हो गया या कोई मतलब बच्चा है जो जिसका जन्म हुआ, तो उसके बाद लोग यहाँ आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे मतलब खुशी में, और ये बहुत ज्यादा बौद्ध धर्म में मानी जाने वाली देवी है, इन्हें बिसारी माता कहा जाता है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि इन्हें माँ माया देवी, जो गौतम बुद्ध की माता जी, कुछ
चीजों में लिखा मिलता है कि ये उनकी माता श्री थी, ठीक है, गौतम बुद्ध की, तो इसलिए इन्हें और भी पूजा जाता है। तो यहाँ मतलब काफी देशों से लोग आते हैं, तो अभी हम आपको दर्शन कराएंगे और इनकी क्या मान्यता है वो सब दिखाएंगे। आपको इनके दर्शन कराते हैं, तो ये है माता श्री और इनके दर्शन हम आपको कराएंगे यहाँ से। ये इन्हें बोलते हैं बिसारी माता जी, ठीक है, तो इन्हें मतलब बहुत धर्म में जो भी लोग हैं शुभ काम के लिए पूछते हैं, तो आप यहाँ आइएगा और मतलब घूमेगा। मतलब यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं जिनकी मतलब कला अद्भुत देखने हुए है, लेकिन यहाँ ये जो टीला टाइप का है यहाँ इतना ही है, ठीक है। और तो आपको दर्शन कराते हैं, ये हमारी माता जी, ठीक है, तो मिलते हैं, ठीक तो यहाँ पे और ये काफी ज्यादा मान्यता प्राप्त मतलब बहुत धर्म में कहा जाता है कि ये बहुत ज्यादा मान्यता प्राप्त मंदिर है। और यहाँ जैसा कि माता जी ने आपको अभी बताया अभी अभी कि यहाँ जो भी शुभ काम होते हैं बौद्ध धर्म में, तो यहाँ देशों से विदेशों से लोग बाग यहाँ आते रहते हैं। और यहाँ दोस्तों ये बहुत ज्यादा मान्य थी, मैंने आपको बताया जैसे महामाया देवी जो भी थी, तो उनकी माता श्री के नाम से या इन्हें कहते हैं बिसारी माता। और यहाँ सुरक्षाकर्मी ऑल टाइम चौकी स्थापित कर दिया, क्योंकि इस टीले में कहा जाता है कि सोने की वो इसमें है। तो ये भाई साहब यहाँ सफाई कर रहे हैं और यहाँ ये इस टाइप का बौद्ध धर्म को देखने मिला, ये रहा टीला। यहाँ से टाइम नहीं है वैसे, हम लोग चक्कर जरूर लगवाते हैं यहाँ का। तो यहाँ से ये आपको दिख रही हो, ये बिल्डिंग पुरानी बिल्डिंग बनी हुई थी, ठीक है, यहाँ जैसे महल टाइप का था वो आज भी कंक्रीट की ईंट से बना हुआ है। देखिए आपको जूम करके दिखाने, देखिए आज भी यहाँ पे महल टाइप का था। और मान्यता है कि बौद्ध भगवान जी यहाँ उतरे थे, मतलब सोने की सीढ़ी लगा के उतरे थे इसी मतलब टीले पे। तो मिलते हैं आपको आगे, तो वीडियो देखते रहिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हम आपको दिखाते हैं अष्टधातु का हाथी, और जो हाथी बहुत ही ज्यादा कीमती है और आपको दिख रहा होगा वीडियो में, जैसे कि ये अष्टधातु का हाथी है और ये गेट पर ही बना हुआ है, इसकी मान्यता भी बहुत ज्यादा है। और ये हमारे सब संगी तुम निकल रहे हैं, निकलने टाइम यहाँ से निकलने का टाइम हो चुका है, बोल रहा है लड़का। ये हाथी है अष्टधातु का, मतलब देखिए बहुत कीमत है अष्टधातु का हाथी, भाई साहब हर धातु इसमें है। तो ये रहा अष्टधातु का हाथी, तो इसके हम आपको दिखाएंगे जरूर। यहाँ ये महाराज जी यहाँ रहते हैं, तो ये अष्टधातु का हाथी है और यहाँ सुरक्षा की गई है इसकी, क्योंकि यहाँ से ये बहुत ही कीमती वस्तु, बहुत ही कीमती चीज़ होती है जो अष्टधातु का हाथी है। और ये शायद अशोक द्वारा, जो राजा अशोक हुए थे उन्होंने यहाँ स्थापित करवाया था इस हाथी को। तो ये हाथी अष्टधातु का है और यहाँ पे इसकी बहुत मान्यता, लेकिन कुछ लोगों ने जैसे जब तक इसकी वो नहीं थी सुरक्षा नहीं थी, तो इसे मतलब कुछ लोगों ने इसे तोड़ लिया, जैसे इसका सूंड हो गया और इसकी पूंछ हो गई, क्योंकि ये अष्टधातु का हाथी, क्योंकि दोस्तों अष्टधातु जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा महंगी और हर प्रकार से होती है। तो इसकी देखो पूंछ भी टूटी हुई है, तो लोगों ने सुरक्षा ना होने के कारण पहले ही इसे तोड़ लिया था। तो अब इसकी बहुत ज़्यादा, अब ये देखो इधर लोहे की ये फैब्रिकेटिंग की गई है और इसी कारण की गई, क्योंकि लोग इसे तोड़ ना सकें, क्योंकि ये बहुत ही कीमती वस्तु होती है। और तो इस हाथी का सूंड भी गायब आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं हम आपसे आगे, आधा आधा आधा। तो यहाँ से ये दोस्तों गेट, यहाँ से हम बाहर की ओर निकलेंगे और ये ग्राउंड चारों तरफ का ग्राउंड है। और यहाँ पे गेट दोस्तों, ये माता जी यहाँ पे एक जैसे यहाँ पे कहते हैं ये मंदिर आप देख सकते हैं और देख रहे होंगे कि ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा ये गेट पे ही बना हुआ है, और उसमें जो मूर्ति है वो इनकी रखी हुई है, और ये मूर्ति 100% लेनी है। और ये हमारे भाई लोग जा रहे हैं,
और ये भाई लोगों को जा रहे हैं और ये जा रहे हैं और देखते हैं बैठते हैं। तो हम निकलेंगे यहाँ से अगले आगे मंदिर में, तो वीडियो देखते रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आगे ये आप सब देखो, ये मोटरसाइकिल पीछे चल रही है और ये एक आगे चल रही है और ये सब चले बस बस आराम से। और ये हम सब मोटरसाइकिल से हैं देखो, ठीक है। तो हम सब निकल रहे हैं और यहाँ से देखो ये बाइक आ रही है, ये देखो ये बाइक आ रही है। तो यहाँ से ये निकलेंगे, सब संग ही चल रहे हैं और आगे देखेंगे। अगर कोई मंदिर खुला मिलता है आपके साथ दर्शन जरूर करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, ये देखो ये आगे, ये आगे, ये देखो ये आगे कर रहे हैं। तो मिलते हैं आगे, तो मंदिर पर निकल रहे हैं, शॉट क्लियर है, तो मिलते हैं आगे।